सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस साड़ी से एक बहुत ही प्यारा एथनिक कुर्ता बनाऊंगी। तो ये कुर्ता बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपको ये जो साड़ी है वो पहले मिडल से फोल्ड करनी है लेंथ वाइज। तो इसकी जो कुर्ता की लेंथ है वो मैं 47 रख रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से आपको ये लेंथ वाइज फोल्ड करनी है। अब मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है चौड़ाई से। इस तरह से आपको इसकी चार लेयर्स मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ पर ये चार लेयर्स हैं। अब आपको इसे अच्छी तरह से प्लेस करना है। देखिए, ये फोल्डेड साइड है और ये हमारी चार लेयर्स। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले मैं इसकी लेंथ मार्क कर रही हूँ, जो कि 47 इंच है। जितनी आपको इसकी लंबाई चाहिए उस हिसाब से आपको ये मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर शोल्डर्स के लिए मैं ये 7 इंच मार्क कर रही हूँ और आर्म होल के लिए फिर से 7 इंच। इस तरह से आपको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से बॉडी के लिए मैंने 11.5 इंच रखा है। यहाँ पर वेस्ट या कमर के लिए आपको 15 लेना है और इसी तरह से हिप लेंथ आपको 22 इंच लेनी है। ये जो कुर्ता है ये मैं मीडियम साइज के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने ये मेजरमेंट्स ली है। अब कमर के लिए मैंने 10 इंच मार्क कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर हिप के लिए मैंने 12 इंच मार्क कर दिया है। अब आपको ये तीनों पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। अब आर्म होल के लिए कॉर्नर से आपको 1 इंच मार्क करना है और ये कर्व शेप ड्रॉ करना है। ये जो शेप है ये हम बैक साइड के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर फिर से आपको 1/2 इंच मार्क करना है और अंदर की तरफ से आपको इस तरह से ये कर्व शेप लेना है। ये आगे की साइड के लिए हम आर्म होल बनाएंगे। अब आगे के नेक के लिए ये मैं डेप्थ 6 इंच मार्क कर रही हूँ और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच मार्क कर दी है। अब यहाँ पर आपको ये कर्व शेप ड्रॉ कर देना है इस तरह से। पीछे के नेक के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच मार्क कर दिया है। फिर से आपको ये कर्व शेप ड्रॉ करना है। नीचे की साइड भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जितना आपको फ्लेयर चाहिए उस हिसाब से ये मार्किंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले आपको जो बैक साइड है उसकी कटिंग करनी है इस तरह से। अब शोल्डर्स के लिए 1/2 इंच मैं नीचे कट कर रही हूँ स्लांटिंग वे में, तो आपको भी इसी तरह से करना है ताकि इसका जो शेप है वो अच्छी तरह से आए। देखिए, हमने जो बैक साइड के लिए मार्किंग की है वो मैं पहले कट कर रही हूँ। अब आपको ये इस तरह से ओपन करके बैक साइड का जो पार्ट है वो निकालना है और ये अच्छे से फोल्ड करके आपको फिर से इसकी कटिंग करनी है, जो कि हमारा फ्रंट पीस होगा। देखिए, ये साड़ी का पल्लू का पार्ट है, तो इसकी ये ओपन साइड है। तो अब हम हमारा जो कुर्ता का फ्रंट का लेयर है ये इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से फोल्डेड साइड आपको बॉर्डर पर रखनी है। तो इससे हम हमारे कुर्ता के लिए पैटर्न बनाएंगे। अब आपको इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर आपको ये इस तरह से दो पैनल्स मिल जाएंगे। देखिए, बैक पार्ट के लाइनिंग के लिए इस तरह से ये फैब्रिक मैंने अटैच करके लिया था क्योंकि मुझे ये फैब्रिक कम पड़ रहा था। बचे हुए फैब्रिक को आपको इस तरह से फोल्ड करके लेना है और इसके ऊपर हमारा जो बैक का पार्ट है वो रखना है और लाइनिंग इससे आपको निकाल देना है इसके लिए। तो पहले मैं ये नेक कट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको आउटलाइन इसकी कट करनी है। तो ये बैक पार्ट के लिए लाइनिंग हो गया है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इस तरह से मैंने लिया है, दो पीस लिए हैं इसके। ये मैं मिडल से फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं लेंथ इसकी 14 इंच मार्क करूँगी और यहाँ पर ये 3 इंच एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्लीव्स का जो शेप है वो डायरेक्टली ड्रॉ करना है और इसकी आपको कटिंग कर देनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है। अब आगे की साइड के लिए यहाँ पर से मैं एक्स्ट्रा 1/2 इंच अंदर की तरफ ये कट कर रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो आप कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं ये छोटे डार्ट्स लगा रही हूँ ताकि बाद में सिलाई लगाते वक्त आसानी रहे।
इसी तरह से मिडल में भी आपको डार्ट्स लगाने हैं। अब नीचे की तरफ से मैंने ये 7.5 इंच मार्क कर दिया है। देखिए अब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारा ये कुर्ती का फ्रंट का पार्ट है। इसके ऊपर हमने जो पैनल्स निकाले हैं वो भी आपको उल्टे ही रखने हैं इस तरह से, और नेक से आपको सिलाई करनी है इनके ऊपर। यहाँ पर मैं ये पिंस लगा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। इस पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई करनी है। देखिए नेक पर मैंने सिलाई कर दी है। इस तरह से आपको इस पर छोटे छोटे आप कट्स डालने हैं। आपको ध्यान देना है कि आप सिलाई कट ना करें। इस तरह से आपको ये पलट देना है, तो जब आप पलटोगे इसे आपको ये परफेक्ट शेप में मिल जाएगा। देखिए अब ये बैक पार्ट है, ये मैंने पलट कर नहीं रखा है, ये सीधी साइड है, तो इसके ऊपर आपको आपकी लाइनिंग प्लेस करनी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से आपको ये छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस पर। अब आपको ये पलट देना है, तो पलटने के बाद आपको ये इस तरह से मिलेगा। देखिए इसकी क्लियर साइड है। अब हम शोल्डर्स अटैच करेंगे, तो शोल्डर्स अटैच करने के लिए ये दोनों पार्ट आपको इस तरह से रखने हैं। इस पर आप डायरेक्टली इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं जैसे कि नॉर्मली करते हैं। मैं ये दूसरी तरीके से करती हूँ। देखिए इस तरह से आपको ये फ्रंट के दोनों पार्ट्स लेने हैं और ये पीछे की साइड। तो यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर। इसी तरह से ये दूसरा शोल्डर भी आपको सेम तरीके से ज्वाइन करना है। तो जब आप ये करेंगे आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये शोल्डर्स ज्वाइन कर दिए हैं, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से जब आप इसे पलटोगे आपको ये बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाएगी। ये अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है, तो ये अच्छी तरह से आपका नेक बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे, तो इस तरह से आपको ये प्लेस करना है। और जो हमने स्लीव्स रेडी किए हैं वो आपको इस तरह से रख कर ये ज्वाइन कर देने हैं। जो हमने आगे की साइड जो डार्ट लगाया था वो आपको आगे की तरफ ही रखना है, तो अच्छे से आपको ये फिनिशिंग मिल जाएगी। देखिए ये स्लीव्स की आगे की साइड है, तो ये आपको आगे ही प्लेस करके सिलाई लगानी है। नेक पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हमारे जो स्लीव्स है वो भी मैंने अटैच कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी और है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपको फाइनल जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है। तो स्लीव से आपको ये सिलाई लगानी है, चारों जो हमारे पीस है वो लेकर आपको ये सिलाई लगा देनी है। लेकिन उससे पहले हमने ये जो लाइनिंग कट की थी उसका जो फ्लेयर का फैब्रिक है वो कम है, तो पहले मैं इसकी फोल्डिंग करके सिलाई लगाऊंगी और बाद में इस तरह से साइड में सिलाई लगा दूंगी। दूसरी साइड पर भी आपको सेम तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब नीचे की साइड्स आपको इस तरह से फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगानी है। चारों साइड पर आपको सेम रिपीट करना है। कुर्ता बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। मैंने इस पर ये बटन भी लगाया है। अगर आपको ये DIY पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।